अभी कोई ऐसा और कोई नहीं है अब? नहीं ये ना, ये जो लोग हैं ये जिस सोशल इकोनॉमिक ग्रुप के हैं उनके परिवार ये कमरे इतने बड़े बड़े नहीं कि वो ये हमारे वचन पत्र भर सके। डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। अब तक अजमेर में JLN मेडिकल कॉलेज में कुल 198 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, और अभी जो नए मरीज आए हैं वो उसमें से 3 नसीराबाद के हैं, लेकिन वो पेशेंट अभी तक नसीराबाद अस्पताल में भर्ती हैं, और नसीराबाद अस्पताल से हम बात कर रहे हैं, अगर वो वहाँ इलाज कराएंगे तो वहाँ, वरना हम उनका इलाज करने के लिए तैयार हैं। बाकी 5 मरीज हमारे पास ऑलरेडी भर्ती हैं जो कोरोना सस्पेक्ट में भर्ती थे और वो पॉजिटिव आए हैं, उसमें से 1 सज्जन गेगल के हैं, 3 सज्जन वो पुरानी एक फैमिली है उनके उसी के रिश्तेदार हैं, और 1 सज्जन बाबू मोहल्ला के हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के 8 नए मरीज और आए हैं, और अभी हमारी संख्या जो है 198 की हो गई है JLN मेडिकल कॉलेज में। उसमें 3 मरीज अगर हम नसीराबाद के निकाल दें जो कि अभी तक हमारे पास आए नहीं है, तो 195 मरीज हैं। उन 195 मरीज में से 1 सज्जन दूदू के जयपुर ज़िला, 1 सज्जन नागौर के नागौर ज़िला, और 1 सज्जन पाली ज़िले के हैं, लेकिन उन्होंने हमारे से इलाज कराया, इसलिए ये संख्या इस तरीके से होती है। अब तक कुल हमारी 4 डेथ हो चुकी हैं। एक अनफॉर्चुनेट डेथ कल रात को हो चुकी है, वो एक खानाबदोश इंसान थे और काफ़ी कमज़ोर थे, उन्होंने काफ़ी दिनों से खाना पीना बंद कर रखा था, कुछ मानसिक रोगी भी थे, और अत्यधिक बीड़ी पीने से उनके फेफड़े भी ख़राब हो गए थे। 2 दिन इलाज के बावजूद उनकी तबीयत संभल नहीं पाई और कल रात को उनका देहांत हो गया। उनकी बॉडी को जो सभी जो प्रिकॉशन लेते हुए बॉडी को पैक करके मॉर्चरी में रख दिया गया और उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई जारी है। और बाकी सब जो मरीज़ हमारे यहाँ भर्ती हैं बाकी सब स्वस्थ हैं अभी, और हमें कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई मरीज़ हमारे कोई तकलीफ़ में है। हमारे जो कोरोना सस्पेक्ट वार्ड में जितने मरीज़ हैं सभी के सैंपल ले लिए गए हैं, हमारी सैंपल की रफ्तार भी काफ़ी अच्छी हो गई है, हमारी रिपोर्ट करीब करीब 12 से 24 घंटे में हमारे पास मिल जाती है, और कुछ जो कभी कुछ टेक्निकल वजह से रिपोर्ट जो पेंडिंग होती है, पेंडिंग नहीं कहेंगे उसको, रिपीट होती है, सैंपल रिपीट होते हैं, तो हाथ के हाथ रिपीट सैंपल लेके वापस लैब में भिजवाया जाता है, उसकी रिपोर्ट अगले 12 घंटे में हमको मिल जाती है। सही होने वालों की संख्या अब तक कुल मिला के हमारा जो सही होने वालों की संख्या है वो 55 है, उनके जिसमें 5 मरीज़ जो जयपुर भेजे थे वो भी शामिल हैं। कुल 55 मरीज हमने यहाँ से क्वारंटीन सेंटर डिस्चार्ज कर दिए। सरकार के नए निर्देशानुसार हम कोरोना पेशेंट को घर भेजने का भी हमको जो है वो निर्देश मिल चुके हैं, और वो जब हो सकता है कि जब पेशेंट एक अंडरटेकिंग दे, एक वचन पत्र भरे कि मैं पूरी तरह से आइसोलेशन का पालन करूंगा, घर में पूरी तरह से अलग रहूंगा, परिवार वालों से नहीं मिलूंगा, और परिवार वालों के या खुद को कोई सिम्टम होगा तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे या डॉक्टर को संपर्क करूंगा, ऐसा वचन पत्र भरवा कर हम उसे घर भी भेज सकते हैं, और उसे उस घर में रहने के दौरान पूरी तरह से आइसोलेशन का पालन करना है, एक कमरे में रहना है, उसी कमरे से बाहर नहीं निकलना, अपना टॉयलेट भी उसी कमरे में होना चाहिए, खाना भी कोई आदमी उसे बाहर से पकड़ाए वो खाना खा के अपनी थाली धो के अपना बर्तन धो के वापस बाहर रख दे, आपस में किसी भी परिवार वाले से डायरेक्ट का कांटेक्ट नहीं हो। अगर ऐसी पालना करने का वचन देता है तो हम उसे घर भेज सकते हैं। इस वचन पत्र के आधार पर हमने कोरोना पॉजिटिव को कोरोना नेगेटिव, कोरोना मुक्त होने के पश्चात घर भेजा है। यही अजमेर जिले के, वो अजमेर जिले के।